गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, माई सेल्फ आशा मैम, योर इंग्लिश टीचर। और आज बच्चों हम आपकी बुक इट्स सो हैपन्ड का फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गोट इज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स, मतलब संसार की अभी शुरुआत हुई थी और जो जानवर हैं वो इंसानों के लिए काम कर रहे थे। There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hum. तो केवल एक ऐसा आलसी जानवर था जो कोई काम नहीं करता था। Nothing मतलब वो कुछ नहीं करता था और वो केवल क्या कहता था, हम, मतलब हम के अलावा वो कुछ भी नहीं बोलता था। Ever the clever gin was at his wit's end. फिर भी जो clever gin है यहाँ पे इस कहानी में, वो देखिए इस कहानी को कैसे ख़त्म करता है अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, मतलब शुरुआत में जब संसार नया नया बना था और जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था, there was a camel, तो वहाँ पर एक camel था and he lived in the middle of a howling desert, और वो एक desert क्या होता, रेगिस्तान, एक बड़े से रेगिस्तान के बीच में रहता था। Because he did not want to work, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hum. तो वो केवल कांटेदार झाड़ियाँ, कांटे, ऐसी चीज़ों को खाता था, और जब भी कोई इसको कुछ कहता था तो वो क्या बोलता था, हम, जस्ट हम, केवल हम, एंड नो मोर, और वो कुछ भी नहीं कहता था। Presently the horse came to him on Monday morning. तो मंडे मॉर्निंग को हॉर्स उसके पास आता है विद ए सैडल ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर कुछ सामान था भारी भरकम, एंड सेड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि आओ और तुम भी हमारी तरह चलो, हमारी तरह काम करो, बाकी जैसे बाकी हम सब कर रहे हैं। हम सेड द कैमल, तो कैमल फिर से क्या बोल देता है, हम, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, तो फिर हॉर्स वहाँ से चला जाता है और ये सारी बात वो मैन को यानी कि आदमी को बता देता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ, फिर अब कुत्ता आता है उसके पास, उसके मुंह में एक छड़ी थी, एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि आओ चलो तुम भी हमारी तरह काम करो। हम सेड द कैमल, तो कैमल फिर से क्या बोलता है, हम, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, तो कुत्ता भी चला जाता है और जाके इंसान को सारी बात बता देता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, अब जो ऑक्स है वो उसके पास आता है विद द योक ऑन हिज नेक, उसकी गर्दन पे रस्सी बंधी हुई थी, एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि चलो आओ और तुम भी हमारी तरह खेतों में हल चलाओ। हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, फिर कैमल फिर से हम बोल देता है और ऑक्स जाके फिर से इंसान को सारी बात बताता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, फिर दिन के आखिर में जो इंसान है वो हॉर्स को, कुत्ते को, ऑक्स को, इन सभी को बुलाता है, एंड सेड और कहता है, थ्री ओ थ्री आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि तुम तीनों के लिए मुझे बहुत दुख है, बट दैट हम्प थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन जो वो हम्प नाम की चीज़ है जो डेजर्ट में है वो कोई काम नहीं कर सकती, और वी वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और अब हम सब यहाँ पे जो हैं, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो हम उसको अकेला छोड़ देते हैं, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, तो आप तीनों को डबल टाइम काम करना पड़ेगा ये जो काम उसने नहीं किया है उसके काम की भरपाई करने के लिए। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, तो इस बात से वो तीनों गुस्सा हो जाते हैं, एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और वो डेजर्ट के किनारे पर एक पंचायत बुलाते हैं। एंड द कैमल केम चूइंग कड एंड लाफ्ड एट दम, तो कैमल भी वहाँ पे आ जाता है कीचड़ चबाते हुए, उन पे हंसते हुए। देन ही सैड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, वो फिर से हम्प बोलता है और फिर से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ओल्ड डेजर्ट,
रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। तो अब वहाँ पे कौन आता है, जिन आता है जो कि सभी डेजर्ट का इंचार्ज था और वो एक धूल के क्लाउड में लिपटा हुआ था। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो हॉर्स जिन से पूछता है कि भाई क्या ये ठीक बात है किसी के लिए इतना आलसी बने रहना। सर्टेनली नॉट, सेड द जिन। तो जिन कहता है भाई निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए ऐसा। वेल, सेड द हॉर्स, देर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज़ नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। तो कहता है कि आपके इस डेजर्ट के बीच में चीज़ है जिसकी लंबी गर्दन है, लंबी लंबी टांगे हैं, और आज तक उसने मंडे की मॉर्निंग से आज तक उसने कोई काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रोट, ना वो चलता है ना किसी का कोई काम करता है। व्यू, सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल। तो जब उसने कहा कि लंबी गर्दन लंबी टांगे, तो जिन समझ गया कि वो तो कैमल है। वट डज ही से अबाउट इट, तो वो इसके बारे में क्या कहता है। ही सेज हम एंड वी वॉन्ट प्लो, ही वॉन्ट प्लो एंड सेड द ऑक्स। वो तो केवल हम कहता है और ना ही वो हल चलाता। वेरी गुड, सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट। तो कहता कोई बात नहीं, मैं उसको हम्प करता हूँ, मतलब मैं उसकी खबर लेता हूँ, आप केवल एक मिनट इंतज़ार करें। अब सेकंड पार्ट देखिए इस चैप्टर का बच्चों। क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ आपको कल भेज दी जाएगी, वीडियो भी सेंड कर दी जाएगी। तो देखिए, द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। तो जो जिन है वो अपने उसी डस्ट के क्लॉक में लबादे में अपने आप को रोल करता है और पूरे जंगल का एक चक्कर लगाता है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। तो उसने क्या देखा कि जो कैमल है वो अपनी खुद की परछाई पानी में देख रहा था। माई फ्रेंड, सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क। तो कहता भाई मेरे मित्र, मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम कोई काम नहीं करते। द जिन सेट डाउन, जिन बैठ जाता है, विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपनी ठोडी को अपने हाथ में लेके, जैसा पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, तो वो अपनी ठोडी को अपने हाथ में लेके बैठ जाता है। वाइल द कैमल लुकड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि जो कैमल है वो अपनी परछाई को पानी में देख रहा था, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक्चर में। यू हैव गिवन द थ्री एक्स्ट्रा वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। भाई तुमने उन तीनों को मंडे मॉर्निंग से एक्स्ट्रा काम दे रखा, भाई तुम्हारे कारण उन तीनों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। किसको? हॉर्स को, डॉग को, ऑक्स को। ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, भाई तुम्हारे आलसीपन के कारण उन्हें डबल काम करना पड़ता है। सेड द जिन, तो जिन ऐसा कहता है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो अपने हाथ में अपनी ठोड़ी को लिए थोड़ी देर तक सोचता रहता है। हम, सेड द कैमल, अब कैमल ने तो फिर से हम बोल दिया। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन। तो कहता है भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, मतलब मुझे बार बार हम्प नहीं बोलना चाहिए, तुम बहुत बार बोल चुके हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं तो चाहता हूँ कि तुम काम करो, भाई तुम ये हम्प मत करो और काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, अब कैमल फिर से हम बोल देता है। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक दैट He was so proud of puffing up and puffing up into a great big hump. तो जबकि अब की बार जब उसने हम्प बोला ना, तो थोड़ी ही देर में जैसे ही उसने अपनी पीठ को देखा, तो जो उसका घमंड था ना, वो बार बार हम्प कह रहा था, तो उस घमंड के कारण उसकी जो पीठ थी वो फूलने लगी, ऊपर की तरफ उठने लगी, puffing up and puffing up with a great big hump. और उसकी पीठ पर एक बड़ा सा हम्प बन गया। हम्प क्या होता है बच्चों? जो कैमल की पीठ पे जो कुबड़ होता है ना, उसे हम हम्प बुलाते हैं। तो जैसे ही उसने हम्प बोला, तो उसकी पीठ पे जो है एक बिग हम्प बन गया। डू यू सी दैट, सेड द जिन, तो जिन कहता है क्या तुमने देखा। दैट योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर
वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. तो कहता तुमने देखा कि तुम्हारी पीठ पर ये जो तुम्हारा हम्प है ना, जो तुम्हारा खुद का घमंड है, ये तुम्हारी पीठ पर दिखाई दे रहा है और तुमने इसे खुद बनाया है काम ना करके, बाय नॉट वर्किंग. भाई तुम काम तो करते हो नहीं, घमंड करते हो, तो तुम्हारी पीठ पर तुम्हारे घमंड के कारण ये जो हम्प है वो बन गया है. टुडे इज थर्सडे. भाई आज थर्सडे हो चुका है, वीरवार हो चुका है. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. और मंडे से तुमने कोई काम नहीं किया. वैन द वर्ड आएगा यहाँ पे, वैन द वर्ल्ड बिगेन, कि जब से संसार शुरू हुआ. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम करोगे. हाउ कैन आई, सेड द कैमल. अब कैमल कहता कि भाई मैं काम कैसे करूँगा, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर इस हम्प को लेके. दैट हैज़ ए पर्पज़. तो वो कहता है इसका भी एक उद्देश्य है, एक पर्पज़ है. सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने वो 3 दिन मिस कर दिए, खो दिए. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम. कि भाई अब तुम 3 दिन तक बिना खाए पिए काम कर सकते हो तुम्हारे इस हम्प के कारण, मतलब तुम इस अपने हम्प के ऊपर जीवित रह सकते हो 3 दिन बिना कुछ खाए पिए तुम काम कर पाओगे. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. और अब तुम ये भी नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मतलब अगर 3 दिन तक तुम्हें खाना ना भी मिले तो तुम काम कर सकते हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव. तो इस डेजर्ट से बाहर आओ और उन तीनों के पास जाओ. बिहेव मतलब अब काम करो आगे जाके. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3. और जो कैमल है वो इन तीनों को जॉइन करने चला जाता है. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प. और उस दिन से आज तक कैमल हमेशा से ही जो हम्प है ये कैरी करता है, मतलब उसकी पीठ पे हम्प बना हुआ है. वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, मतलब उसकी फीलिंग्स को हम हर्ट करना नहीं चाहते, हम इसे हम्प बुलाते हैं. बट ही हैज़ नेवर येट कोट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन जो उसने शुरुआत में जो 3 दिन मिस किए थे वो उनकी भरपाई कभी नहीं कर पाया है. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और आज तक उसने अच्छे से बिहेव करना नहीं सीखा है, मतलब अभी भी वो प्राउड में रहता है, अच्छे से बिहेव नहीं करता. तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसकी रीडिंग पूरी हो गई है. हाउ द कैमल गॉट इज हम्प, कि कैमल को हम्प कैसे मिला है. तो कल बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आपको सेंड कर दी जाएगी. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.